संभालेंगे प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा है क्या चाहिए बताइए क्या पार्टी भी था किस पार्टी का था किस पार्टी का था आप सारे अपराधियों को पालेंगे उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए, ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया आपने, माफिया के खिलाफ जवाब आ जाए, जिस माफिया के खिलाफ किसी का नाम लिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो क्या चाहिए बताइए क्या अपराधी भी था किस पार्टी का था किस पार्टी का था आप सारे अपराधियों को पालेंगे उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है।